नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक और रोचक तथ्य के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पूर्व के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज अपना स्थानांतरण कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में किस प्रकार देखने को मिलेंगे बड़े बदलाव। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है केतु की अवस्था को भी जानना, क्योंकि जहां राहु षड्यंत्रकारी गतिविधि में किसी भी व्यक्ति को उलझा लेता है, सक्सेस को प्राप्त करने ही नहीं देता, वहां राहु के फल कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों को पिछले 15-16 महीने में भिन्न भिन्न रूप से देखने को मिले हैं। इसका कारण क्या है? तो केतु जो है ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशिपति की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, और शुक्र महाराज कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए कैसे हैं? तो सम ग्रह की संख्या में आते हैं। यहाँ केतु महाराज पिछले 15-16 महीनों से अपनी मित्र कारक राशि में बने हुए हैं। अगर आपके पास कुंडली है तो भी आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, कुंडली नहीं है तो भी आप समझ पाएंगे कि पिछले 15-16 महीनों में केतु महाराज ने आपके जीवन में अस्त व्यस्तता बनाई है या फिर आपको राहु महाराज के प्रकोप से बचाने का प्रयास किया है। इसे जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगले कार्यक्रम में जब हम राहु का मीन राशि में परिवर्तन पर चर्चा करेंगे, वहां पर आपके सामने केतु को लेकर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहां मैंने कहा कि केतु महाराज की जो स्थिति है, बहुत से कर्क राशि वाले जातकों को पिछले 15-16 महीनों में केतु ने अच्छे फल दिए हैं, तो बहुत से लोगों को खराब फल देते हुए पाए जाए हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ऐसा कैसे, तो मैं बताता हूं। मैंने आपको बताया कि केतु जिस राशि में बैठता है उनकी तरह कार्य करता हुआ पाया जाता है। शुक्र महाराज यदि आपकी कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में और जहां 6 नंबर लिखा हुआ है, अगर उस स्थान पर शुक्र महाराज नहीं है तो यहां केतु आपके लिए पिछले 15-16 महीनों में चीजों को बैलेंस करता रहा। कैसे, समझिए, आपको पता पड़ जाएगा कि केतु महाराज ने भी राहु के साथ मिलकर आपको समस्याएं दी है या फिर राहु के प्रकोप से आपकी रक्षा की है। पिछले 15-16 महीनों में आपने कोई भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा खरीदा है तो यहां केतु आपके लिए एक अच्छी अवस्था को दर्शाते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई विवादास्पद स्थिति चल रही थी वो समाप्त हो गई, ये एक अच्छी स्थिति का योग बनाते हैं। जनता में आपको अपयश की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, जनता का सहयोग प्राप्त हुआ तो आपकी पिछले 15-16 महीनों में केतु ने अच्छे फल दिए हैं शुक्र महाराज की वजह से। यहां से 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्स्टेकल आए आपके जीवन में, किंतु उन ऑब्स्टेकल से आप बाहर निकल गए, तो इसका मतलब 100% आपके लिए शुक्र महाराज कुंडली में अच्छे बने हुए हैं। कर्म भाव पे दृष्टि देकर राहु महाराज चीजों को अस्त व्यस्त करते रहे, किंतु फिर भी कैसे कैसे कर आप अपने कर्म क्षेत्र में स्टेबल बने रहे और चीजों को बैलेंस कर लिया, तो आपकी कुंडली में शुक्र महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं क्योंकि केतु शुक्र की तरह आपके लिए कार्य करता है। नवम दृष्टि से यदि द्वादश भाव की स्थिति के अंदर आपके लिए हॉस्पिटलाइज खर्चे पिछले 15-16 महीनों में आपको नहीं देखने को मिले, फिजूल के खर्चे देखने को नहीं मिले, माता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं देखने को मिली, तो आपके लिए शुक्र महाराज कुंडली में अच्छे बने हुए हैं और केतु ने उनकी ही तरह कार्य कर आपको एक तरीके से राहु से रक्षा कवच प्रदान किया। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये अवस्था अच्छे स्वरूप में आपको देखने को मिली है कि नहीं। अब जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है उनको भी पता पड़ेगा कि अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक हैं तो शुक्र महाराज आपकी कुंडली में कैसे हैं। जनता में आपको अपयश प्राप्त हुआ, भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे थे नहीं खरीद पाए, इवन कई लोगों के सेल भी हो गए, बिक भी गए, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिले, माता के स्वास्थ्य को खराब होते हुए देख पाए, पेरेंटल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम देखने को मिली, हर कार्य में ऑब्स्टेकल देखने को मिले, मानसिक तनाव टेंशन डिप्रेशन देखने को मिला, कार्यों में रुकावटों की स्थितियां देखने को मिली,
कर्म क्षेत्र में स्टेबिलिटी का योग नहीं बनकर आ पाया, चीजें अस्त व्यस्त होती रही, कई लोगों की जॉब छूटी। कर्म क्षेत्र में कर्म की अवस्था, जो व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार की स्थितियां अच्छी नहीं होकर आ पाई। फिजूल के खर्चे लगातार बने रहे, हॉस्पिटलाइज खर्चे देखने को मिले, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति देखने को मिली है। तो यहाँ राहु ने, केतु महाराज ने राहु का साथ देकर आपको और अधिक मात्रा में पीस दिया। और इसका दूसरा सेंस क्या बनता है, तो आपकी कुंडली में शुक्र महाराज की स्थिति अच्छी नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा, शुक्र महाराज या तो 6 नंबर में बैठे होंगे कर्क राशि, कर्क लग्न के आधार पर, या लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में बने हुए होंगे। यहाँ केतु को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगले कार्यक्रम में जब हम राहु का प्रेडिक्शन देखेंगे, वहां आपके लिए केतु महाराज की स्थिति बहुत सहज तरीके से कार्य करेगी कि नहीं करेगी, और नहीं कर रही है तो हम केतु के उपाय के भी चर्चा करेंगे जो आपको जीवन में सहजता से आगे बढ़ने की एक राह दिखाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।